कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की पत्नी नेहा प्रसाद ने चुनाव प्रचार के दौरान सिसैया प्रधान हुसैन खान के यहां एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी व सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद रेखा वर्मा ने जनता को धोखा दिया है और अब चुनाव के वक्त जनता से वोट मांग रही है। वहीं गठबंधन प्रत्याशी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें करोड़ों रुपए देकर टिकट मिला है, उनका बिजनेस मुंबई से लेकर दुबई तक चलता है। सांसद आपके वोट से सांसद बनता है, एक प्रत्याशी को सशक्त आप करते हैं, आप उनको मजबूत करते हैं और फिर वो भारत के संसद तक पहुंचते हैं। पिछले 5 साल में यहाँ एक ऐसी सांसद थी जो सभी जानते हैं, कहीं दिखी नहीं, कोई काम नहीं किया, मुड़ के किसी गांव नहीं गए। वो और उनकी पार्टी उन्हें झूठ बोलकर, वादे करकर, जुमले फैलाकर वोट लिए आप लोगों के और इस क्षेत्र से वो सांसद बन गए। जो उन्हें किया उसको विश्वासघात कहा जाएगा। उन्हें आप लोगों के वोट लिए पर आपके लिए खड़ी नहीं हुई, आपके काम नहीं किए। 5 साल हरारा में कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। और ये मैं नहीं कहती हूँ, जिस गांव में मैं जाती हूँ मुझे यही सुनने को मिलता है। आप लोग बताइए पिछले 5 साल में यहाँ कुछ काम हुआ? आप लोगों को किसी भी समय जब जरूरत थी आपकी सांसद आपके साथ आके खड़ी हुई? आप लोगों के सामने एक और प्रत्याशी खड़े हैं जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, उनका ना यहाँ घर है ना बाल है। वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दुबई बम्बई में उनका घर है, करोड़ों में उन्हें टिकट खरीदा है। अब आप लोग समझदार हैं, आप बताइए ऐसा आदमी जिसके पास इतना बड़ा व्यवसाय, इतना बड़ा व्यापार है, वो दुबई बम्बई छोड़ के आप लोग के बीच में आएंगे? वो अपनी किस्मत आजमाने आए हैं, गलती से अगर उनको वोट मिल गए वो आपको यहाँ चुनाव के बाद दिखेंगे नहीं।